हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे से स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 3 करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आंकड़े का प्रबंधन के बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ पर औसत या माध्य निकालने का फॉर्मूला दिया गया है। औसत या माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रसार या परिसर के बारे में दिया गया है, ठीक है। प्रसार क्या होता है? उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, अधिकतम संख्या में से निम्नतम संख्या को घटाएंगे तो प्रसार प्राप्त होता है, जिसे हम रेंज कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ बहुलक के बारे में दिया गया है। प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। छात्रों, आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से ये बहुलक के बारे में पता चल सके। यहाँ पर माध्यक यानी मीडियन के बारे में दिया गया है, ठीक है। दंड आलेख के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? दूसरा है, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो यहाँ पर दंड आलेख दिया गया है, ये हमारा दंड आलेख है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है? किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो 2002 में, देखो 2002 में यहाँ पर सबसे अधिक साइकिलें निर्मित की गई, कितनी? 1200, ठीक है। और किस वर्ष न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो 1999 में, 1999 में कितनी की गई थी? 600, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है, एक प्रयास कीजिए। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। विद्यार्थियों की संख्या है 40, 30, 35, 25, 20, ठीक है। संकेत 5 का प्रयोग करके एक चित्रलेख बनाइए। तो छात्रों, यहाँ पर एक हमने ये दंड आलेख बना लिया गया है, ठीक है। 5-5 का प्रयोग किया है यहाँ पर, जहाँ पर 0 विद्यार्थियों की संख्या है, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। ये 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, यहाँ पर 5-5 का हमने वर्ग अंतराल लिया है, ठीक है। तो छात्रों, आप भी यहाँ देख सकते हो और इस प्रकार से यहाँ दंड आलेख बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 आंकड़ों का प्रबंधन पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। तो छात्रों, अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं? हम परिसर कहते हैं, ठीक है। तो छात्रों, इसका उत्तर होगा बी। बी यानी कि इसको परिसर या प्रसार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बी को भर लेंगे, इस प्रकार से आप बी को यहाँ भर लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे हम बी, परिसर। प्रश्न नंबर 2 है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा माध्य। प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात को हम माध्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर है डी, यानी माध्य। इसको हम डी को यहाँ भर लेंगे, ठीक है। तीसरा है, 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत क्या होगा? तो इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये कितनी संख्या है? 6। इन सबको हम जोड़ लेंगे और 6 से भाग दे देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 66। इसका उत्तर आएगा 66/6, ठीक है। 66, इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 66, और बटे में कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार कटेगा? 11 बार। तो इसका आंसर होगा 11। बी, यहाँ पर बी को भर लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम बी, 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, 16, 2, 14, 16, 14, 12,
18, 16, 12 का बहुलक यानी मूड क्या होगा? तो छात्रों, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पर 16 सबसे ज़्यादा बार आया है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 16, ठीक है। यहाँ 16 लिखा है, बी को आंसर है तो यहाँ पर हम बी को भर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी यानी कि 16, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 11 तक की प्राकृतिक संख्याएं का औसत क्या होगा? औसत यानी माध्य, ठीक है। 1 से लेकर 11 तक की सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और उसमें 11 से भाग दे देंगे। तो 1 से लेकर 11 तक की सभी संख्याओं का योग आएगा 66, ठीक है, और उसमें 11 से भाग दे देंगे हम, कितना आएगा? 11 × 66। तो इसका आंसर होगा 6। तो यहाँ लिख देंगे हम सी 6, ठीक है, 6 लिख दिया। यहाँ सी को हम भर देंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को हम प्रसार या परिसर कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मध्य मान क्या कहलाता है? तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यक। बीच का मान क्या कहलाएगा? माध्यक, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो यहाँ लिखा है हमने, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्रथम माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इन सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 15। 5 के पाड़े से इसको काट देंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो आंसर कितना आएगा? 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? उत्तर है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या होगा? तो यहाँ हमने लिखा है, औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे इनको लिख लिया, जोड़ दिया और 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 18, ठीक है, और 18/3 हो गया ये। अब 3 के पड़े से 18 को काट देंगे, 3 × 3, 3 × 18, तो उत्तर आएगा हमारा 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 घंटे, औसत बराबर क्या आएगा? 6 घंटे, औसत बराबर 6 घंटे, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से हमें बहुलक बताना है। हमने यहाँ लिखा है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ पर 12 लिख लिया, 12 2 बार है, 13 लिख लिया, 13 भी 2 बार है, 14 3 बार है लिख लिया, 16 और 19। इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 1, 2, 3, 14 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका आंसर होगा 14, ठीक है, बहुलक। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35, तो यहाँ हमने लिखा है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया बढ़ते क्रम में, 17, 18, 24, 25, 35, 36 और 46। अब इसका माध्यक क्या होगा? माध्यक हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पर ये 3 संख्या हो गई और इस साइड 3 संख्या हो गई, बीच में क्या बचा? 25, ठीक है, तो माध्यक क्या होगा? 25 होगा, यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो यहाँ हमने लिखा है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी बड़ी आती जाती हैं, तो 0, 35, 40, 46, 50, 58, 76, 100, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? 100। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0, ठीक है। परिसर क्या होगा? परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतर संख्या में से निम्नतम संख्या को घटाना, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 100, और छोटी संख्या कौन सी है? 0। 100 में से 0 को घटाएंगे, क्या आएगा हमारा आंसर? 100। परिसर बराबर क्या हो जाएगा? 100, तो यही इसका आंसर है।
प्रश्न नंबर 14 है 5, 7, 9, x, 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो छात्रों माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण ये दिए थे, इनको हमने जोड़कर लिख लिए और कितनी संख्याएं हैं 7, तो 7 लिख लिए, इनको जोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 संख्या है तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 48 और ये x का x बटे 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है तो ये 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 8 का और 7 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 8, 7, 56। ठीक है, बराबर और ये 48 प्लस एक्स ये बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 48 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना होगा 56 - 48 बटे बराबर एक्स। ये 48 किसके हो गए माइनस के, 56 में से 48 को घटा देंगे कितने बचेंगे 8, 8 बचेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ कक्षाएं दी गई हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, विद्यार्थियों की संख्या दिए गए 130, 120, 90, 100, 90, 80। तो यहाँ पर हमने ये दंडालेख बनाया है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, 20-20 का अंतराल लेके हमने बनाया है यहाँ पर जी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। हमने यहाँ पर 140 तक नंबर लिए हैं क्योंकि अधिकतम वैल्यू कितनी है 130, तो हम इससे ज़्यादा ही लेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आई, अब यहाँ 5वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 130, तो यहाँ पर हमने 130 तक एक लाइन खींच ली। ठीक है, ये 5वीं कक्षा के छात्र हैं। इसी प्रकार से 6ठी कक्षा में कितने 120, तो यहाँ पर हमने 120 से लाइन खींच ली है। फिर और 7वीं कक्षा में कितने 90 विद्यार्थी, तो यहाँ पर ये 80 और 100 के बीच में क्या होगा 90 होगा, तो ये 90 तक लाइन खींच ली हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 8वीं कक्षा में भी खींच सकते हो, 9वीं कक्षा में भी खींच सकते हो और 10वीं कक्षा में भी खींच सकते हो। तो छात्रों आप यहाँ पर ये दंड आलेख को देख लीजिए और अपनी पुस्तक में अच्छे से बना लीजिएगा। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। छात्रों आप यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।